बुलंदशहर में दंपत्ति हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसमें शिकारपुर क्षेत्र के मोहल्ला लाल दरवाजा में 14 मार्च को घर के बाहर सोते समय दंपत्ति की हत्या हुई थी। हैरानी की बात तो यह है कि माँ बाप की खुद की नाबालिग बेटी ने खाने में नींद की गोली देने के बाद कुल्हाड़ी से वार करके की थी अपने ही माता पिता की हत्या। वजह पूछे जाने पर नाबालिग ने बताया कि माता पिता लड़कों से बात करने पर मना करते थे, जिसकी वजह से उसने अपने माता पिता का कत्ल किया। ये 15 तारीख की सुबह थाना शिकारपुर में सूचना मिली थी कि एक दंपत्ति अपने घर के बाहर जो मचान है उसमें सो रहे थे और वहाँ पर मृत पाए गए हैं। इस संबंध में घटना के अनावरण के लिए CO शिकारपुर के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसके क्रम में आज इनकी टीम द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें ये बात प्रकाश में आई है कि जो दंपत्ति थे उनकी जो सबसे बड़ी लड़की थी, जिसकी उम्र लगभग 15-16 वर्ष के करीब है, उसके द्वारा ही इन दोनों की हत्या कर दी गई। जब इससे पूछताछ की गई तो ये बताया गया कि इससे इसके अन्य लड़कों से बात जो होती थी उसको लेकर इसके माता पिता नाखुश रहते थे और इसकी कई बार मार पिटाई करते थे, जिससे ये काफ़ी दिनों से क्षुब्ध थी। इससे पूर्व भी इसने एक बार प्लानिंग करी थी, हालांकि उस समय ये सक्सेसफुल नहीं रही थी। घटना वाले दिन इसने 20 नशे की गोली मंगवाई और इनके खाने में मिला दिया, जिसके बाद ये लोग बेहोश हो गए। उसके बाद इसने एक छोटी कुल्हाड़ी से उसके पिछले हिस्से से इनके सर पर वार किया, जिससे कि इन दोनों की वहीं मौके पर मृत्यु हो गई। और उसके बाद घर में बाहर से ताला लगाकर ये पड़ोस के घर से अपने घर में अंदर जाकर सो गई। और उसके बाद फिर सुबह इसी ने अन्य लोगों को सूचना दी कि घर में ऐसी ऐसी घटना हो गई, कोई अज्ञात लोग इसके माता पिता को मार गए हैं। घटना के बाद इसने जो वेपन था उसे पास में ही एक भूस के ढेर में छुपा दिया था, जिसको जहाँ से कि इसकी निशानदेही पर ये वेपन बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के आधार पर, अन्य साक्ष्य के आधार पर इस बाल अपचारी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, नशे की गोली बेचने वाला जो लेकर गया, जो लड़का इसमें नशे की गोली सप्लाई किया था उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। उसके पास से कुछ अन्य नशे की गोलियां भी बरामद हुई हैं, जिसके आधार पर NDPS एक्ट के सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।